हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय विद्या चैनल। और हम लोग एनसीईआरटी डिस्कस कर रहे हैं, आपको पता है। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी हमारी कौन सी है? तो ये हमारी एनसीईआरटी है, और ये एनसीईआरटी हमारी 11 है, और हम लोग उसके 4 चैप्टर सक्सेसफुली डिस्कस कर चुके हैं। फिफ्थ चैप्टर यहाँ से हमने लिया गया है। इस चैप्टर हमारा है एनाटॉमी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, पिछले जो 4th चैप्टर था हमारा कौन सा था? मॉर्फोलॉजी था। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट था। ठीक है, अब मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी में क्या फर्क था? तो मॉर्फोलॉजी में हमने देखा था एक्सटर्नल स्ट्रक्चर था ऑफ प्लांट के बारे में हमने देखा था। हमारा है एनाटॉमी, तो एनाटॉमी मीन्स हमारे क्या होता है? इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो मॉर्फोलॉजी एक्सटर्नल हो जाएगा, और इंटरनल के हमारे क्या है? स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, इंटरनल उसके टिश्यूज के बारे में बात करेंगे, तो हमारा क्या है? एनाटॉमी इससे आता है। ठीक है, चलिए शुरुआत हम लोग कर रहे हैं, और अच्छा लगेगा, यहाँ से बहुत कुछ हम लोगों को सीखने को मिलेगा। तो यह हमारा क्या है? एनाटॉमी ऑफ द फ्लावरिंग पॉइंट है, तो इसके बारे में हम सीखेंगे। तो इसमें इसमें क्या है? टिश्यूज के बारे में है, तो टिश्यूज क्या होते हैं उसको समझ लेते हैं। तो बात अगर टिश्यूज की आती है, यानी टिश्यूज हमारे हो गए, तो टिश्यूज में ये होते क्या है? सिमिलर इन आपको फंक्शन में तो सिमिलर आपको दिखाई देंगे, प्लस इनकी ओरिजिन भी सिमिलर इनकी होती है। ओरिजिन और फंक्शन में कैसे होते हैं? सिमिलर होते हैं। और इनका सेल का साइज नॉट नेसेसरी, सेल का साइज कोई नेसेसरी नहीं है। अगर सेल का साइज डिफरेंट है तब भी टिशूज हैं, लेकिन उनका फंक्शन और ओरिजिन सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे क्या टिशूज के बारे में है। अब टिशूज को क्या है, इन्होंने क्या है, मेरिस्टमेटिक टिशूज कौन से होते हैं? प्लांट की बात कर रहे हैं, समझ लेते हैं। अ टिशूज इज अ ग्रुप ऑफ द सेल्स हैविंग द कॉमन कॉमन इनमें ओरिजिन मिलेगी, यूजली परफॉर्मिंग द कॉमन फंक्शन देखने को मिलेंगे। प्लांट इज मेड ऑफ द डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यूज। प्लांट में बहुत सारे टिश्यूज मिलेंगे। टिश्यूज आर क्लासिफाइड इनटू टू मेन ग्रुप में इनको क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, टू मेन ग्रुप में, नेमली मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और परमानेंट टिश्यूज हमारे। ठीक है, टिश्यूज बेस्ड ऑन देयर ओन वेदर द क्लास बीइंग फॉर्मड एज द कैपेबल ऑफ द डिवाइडिंग और नॉट। ठीक है, तो उनको जो बेस रखा गया है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का, तो दो में इनको डिवाइड किया गया है। टिश्यूज में दो में कौन कौन से टिश्यू डिवाइड किए गए हैं? तो ठीक है, एक तो हमारा किया गया है हमारा क्या, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में किया गया है। दूसरा जो टिश्यूज हमारा लिया गया है हमारा क्या, परमानेंट टिश्यूज। ठीक है, इनका बेस क्या रखा गया? इनका बेस रखा है कैपेबिलिटी ऑफ द डिवाइडिंग, कैपेबिलिटी ऑफ डिवाइडिंग पे ये क्लासिफाई किया गया है दो में। चलिए ठीक है, अब हम समझ रहे हैं मेरिस्टमेटिक टिश्यूज हमारे कौन से होते हैं। ये हमारे हैं मेरिस्टमेटिक टिश्यूज। ग्रोथ इन प्लांट्स लार्जली रेस्ट्रिक्टेड टू स्पेशलाइज्ड रीजन ऑफ एक्टिव सेल डिवीजन इज कॉल्ड मेरिस्टेम्स। ठीक है, प्लांट है, और प्लांट में कुछ स्पेसिफिक रीजन्स होते हैं जहाँ पे बहुत सेल्स डिवाइडेशन होती है, ऐसे रीजन को क्या है, मेरिस्टेम्स कहते हैं हम। ये समझ गए? ठीक है, और मेरिस्टेम्स एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसको है मेरिटोस। मेरिटोस मीन्स हमारे क्या होता है, डिवाइडेड। ठीक है, मेरिस्टेम्स ऐसी सेल्स होती हैं जो रैपिडली डिवाइड होती हैं, ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जैसे मेरिस्टोस नाम होता
उसको मीन्स होता है डिवाइडेड प्लांट हैव द डिफरेंट काइंड ऑफ द मेरी स्टेम्स। प्लांट में बहुत सारे मेरी स्टेम्स देखने को मिलेंगे। द मेरी स्टेम्स विच अकर्स द टिप ऑफ रूट, आपको रूट के टिप पे आपको देखने को मिलेंगे, शूट के टिप पे देखने को मिलेंगे, प्रोड्यूस प्राइमरी टिश्यूज कॉल्ड द एपिकल मेरी स्टेम्स। ठीक, यानी ये हमारे क्या है, प्लांट है, तो प्लांट के कई जगह आपको देखने को मिलेंगे मेरी स्टेम्स। ये हमारा क्या है, प्लांट है। ठीक है, तो प्लांट पे कई जगह आपको मेरिस्टेम टिश्यूज देखने को मिलेंगे। ये हमारे लीव्स हैं इसमें, अभी हम लोग उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये हमारे प्लांट की टिप है, तो यहाँ पे आपको टिप पे देखने को मिलेंगे जिसको एपिकल मेरिस्टेम कहेंगे। और ये हमारा क्या है, शूट का फॉर्मेशन, सॉरी रूट का फॉर्मेशन होता है, तो रूट के टिप पे, तो दो जगह हमने देखी मेरिस्टेम हमको कहाँ भी इसमें देखने को मिले, तो ये हमारा एपिकल हो गया, एंड शूट के टिप पे एपिकल हो गया, रूट के टिप पे जहाँ पे मेरी स्टेम्स सेल्स देखने को मिलती हैं, ये हमारे क्या है, रूट का हमारा टिप हो गया, टिप ऑफ रूट। ठीक है, इसके बाद हम लोग अब नेक्स्ट उस पे चल रहे हैं, ये यहाँ से आपको देखने को मिलेगा, ये हमारा शूट का है और ये हमारा रूट का है। तो पहले सूट का डिस्कस कर ले रहे हैं, फिर हम रूट का डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा है सूट। अब सूट का जो पार्ट हमने देखा था, ये हम प्लांट था, ठीक है, और इसके लीव्स वगैरह थी, ये लीव्स वगैरह थी इसकी, ठीक है, और ये हमने लिया है टिप। तो इसका जो स्ट्रक्चर टीएस काट के देखा तो ऐसा हमको दिखाई दिया। इसमें अब हम समझते हैं, तो ये बीच में आपको दिखाई दे रहा है, ये बिल्कुल सेंटर में है, ये डॉट डॉट है, ये हमारे क्या है, मेरी स्टेमेटिक जोन आपको दिखाई दे रहा है। ये सूट एपिकल है और सूट एपिकल में क्या है, मेरी स्टेमेटिक जोन दिखाई दे रहा है। कुछ इसमें दो लीव्स यहाँ पे कवर रहती हैं, एक तो देखो ये हमको लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, और दूसरा ये है, तीसरा हमारा ये है, और चौथा हमारा ये है। तो तीसरा और चौथा होता है जो प्रोटेक्शन का काम करता है हमारे सूट टिप के, तो उसको हम लोग कहते हैं लीफ प्राइमोडियम। ये हमारे क्या है, लीफ प्राइमोडियम है, ठीक है, ये प्रोटेक्शन करता है। और एक हमारा क्या है, लीफ प्राइमोडियल, ये लीफ प्राइमोडियल है, ठीक है, वो लीफ प्राइमोडियम है, लीफ प्राइमोडियल है, प्राइमोडियल, ये हमारा है लीफ प्राइमोडियल फर्स्ट और सेकंड। यहाँ से भी हमारी क्या है, फिर इसके नीचे ये रैपिडली डिवाइड होते हैं, फिर इनमें इलोंगेशन होता है और हमारा मैचुरेशन फेज देखने को मिलता है। ये हम पिछले चैप्टर में यहाँ से पढ़ चुके हैं। यहाँ से एक्सिलरी बड यहाँ से निकलती है और ये डिफ्रेंशिएटिंग करती है, और हमारे वेस्कुलर बंडल का भी यहाँ से फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो एक्सिलरी बड का फॉर्मेशन कहाँ से होगा, हमारे क्या है, सूट एपिकल से निकलता है। अब हम समझ लेते हैं इसमें कह क्या रहा है। सूट एपिकल मेरिस्टेम्स ऑक्यूपाई द टिप ऑफ द रूट पे आपको देखने को मिलेगा, व्हाइल द सूट ऑफ द एपिकल मेरिस्टेम्स ऑक्यूपाई द डिस्टेंस मोस्ट ऑफ रीजन ऑफ द स्टेम एक्सिस पे देखने को मिलता है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द लीफ। इलोंगेशन स्टेम यहाँ पर होगा और हमारा कुछ सेल्स जो छूट जाती हैं, ठीक है, तो मेन इसका काम हमारा क्या हुआ था, इलोंगेशन स्टेम को करेगा और लीफ का फॉर्मेशन करेगा यहाँ पे, जो हमारे का एपिकल मेरी स्टेम्स होता है। लेकिन कुछ जैसे लेंथ बढ़ जाएगी तो यहाँ से कुछ सेल्स मेरी स्टेम की यहाँ से रह जाती हैं और ये फिनोमेना स्टेम आगे बढ़ जाता है, तो जो सेल्स हमारी रह जाती हैं ये दो चीज़ का फॉर्मेशन करेंगे, या तो यहाँ से क्या है फ्लावर यहाँ से निकलेगा, फ्लावर निकलेगा और हमारे से एक्सिलरी बड यहाँ से निकलेंगे और हमारा क्या है ब्रांचेज भी यहाँ से निकल सकते, ठीक है। तो तीन चीज यहाँ से जो लेफ्ट ऑफ द मेरिस्टेम टिश्यूज जो लेफ्ट जो यहाँ से क्या डेवलपमेंट के बाद रह जाते हैं, लेफ्ट द बिहाइंड द फ्रॉम एपिकल सूट मेरिस्टेम कॉन्स्टिट्यूट एक्सिलरी वर्ड, ठीक है, सच वर्ड्स प्रेजेंट इन द एक्सिलरी लीव्स, और यह एक्सिलरी लीव्स में हो सकती हैं, कैपेबल द फॉर्मिंग द ब्रांच, और तो एक्सिलरी वर्ड यहाँ से बनती है, वो हमारे ब्रांच का भी फॉर्मेशन करती हैं, फ्लावर का भी यहाँ से फॉर्मेशन कर सकती हैं, ठीक है। और इसके बाद में द मेरी
स्टेम्स विच अकर द बिटवीन द मैच्योर टिश्यूज इज नोन एज इंटर कैलरी मेरिस्टेम्स। अब यहाँ पे एक वर्ड आ गया, इंटर कैलरी मेरिस्टेम्स कहाँ देखने को मिलते हैं। तो ये हमारा क्या है, एक स्टेम था, ये हमारा स्टेम है, ये हमारा स्टेम था, ठीक है। स्टेम पे बीच में इसमें नोड आपको देखने को मिल रहे हैं, स्टेम पे नोड देखने को मिलते हैं, और नोड पे हमारी क्या चीज देखने को मिलेंगी आपको, एक्सिलरी वर्ड यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। अब कह रहे हैं इसके बीच में इंटर कैलरी जो वर्ड आया है उसको हम लोग समझ लेते हैं एक्चुअल है क्या। तो नोड के जस्ट ऊपर नोड यहाँ है, और इसके ऊपर हमारे क्या चीज देखने को मिलेंगे यहाँ पे, तो हमारे देखने को मिलते हैं हमारे क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज देखने को मिलते हैं। लेकिन ये जो स्पेस है इसमें, ये वाला स्पेस आपको दिखाई दे रहा है, इसमें टिश्यूज देखने को मिलते हैं, इनको इंटर कैलरी टिश्यूज देख कहते हैं। यह है इंटर कैलरी टिश्यूज का क्या फंक्शन है वो समझते हैं। ये इंटर कैलरी टिश्यूज आपको देखने को मिलेंगे, इंटर कैलरी टिश्यूज यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो ये बिटवीन में हो गए, एक नोड है, तो नोड के ऊपर हमारे मेरिस्ट, नोड के दोनों ओर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज देखने को मिलेंगे, और बीच में हमारे क्या है, इंटर कैलरी टिश्यूज, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ने बीच में हमारे क्या है, इंटर कैलरी देखने को मिलेंगे। यह इंटर कैलरी नोड्स टिश्यूज होते हैं, ये कहाँ आपको देखने को मिलेंगे, ये मोनो कॉटिलेडॉन जो प्लांट है उनमें आपको देखने को मिलेंगे, मोनो कॉटिलेडॉन प्लांट में देखने को मिलेंगे, खासकर जो हर्बेसियस प्लांट होते हैं, ठीक है, जो हर प्लांट होते हैं, और ये ग्रेसियस होते हैं, ऐसे प्लांट इनको पशु के लिए यूज किए जाते हैं, चारे के लिए यूज किए जाते हैं, तो इनको जितना भी काटो तो एकदम से इनमें ऐसी कैपेबिलिटीज होती है, यहाँ से काटने के बाद तुरंत रीजनरेशन पावर बहुत ज्यादा होती है हमारे इंटर कैलरी टिश्यूज में, ठीक है। तो ये यहाँ से कट करते हैं तो दोबारा दोबारा से, जैसे घास आपने देखी है, और जो लोग पशु खेत में कुछ फसल करते हैं तो उनको बार बार काटते हैं, हर 15 दिन काट लेते हैं, 15 दिन फिर बड़ी हो जाती है, तो वो टिश्यूज हमारे कौन से होते हैं जो रैपिडली उनको कराए, तो इंटर कैलरी टिश्यूज होते हैं। और ये प्लांट कौन से इनमें देखने को मिले, मोनोकोटिलेडॉन्स में अधिकतर देखने को आपको मिलेंगे। इसके बाद में क्या है, दे अकर्स इन ग्रासेस, घास में देखने को मिले, रीजनरेशन पार्ट ऑफ द रिमूव ऑफ द ग्रो ग्रेजिंग हर्बेसियस, हर्बीवोरस होते हैं जो घास चलने वाले पशु होते हैं, इनको काट लेते हैं। द एपिकल मेरिस्टेम्स आर इंटर कैलरी मेरिस्टेम आर द प्राइमरी मेरिस्टेम्स के नाम से इसको जानते हैं इसको, ठीक है, बिकॉज दे अपियर अर्ली इन द लाइफ ऑफ द प्लांट, कंट्रीब्यूट द फॉर्मेशन ऑफ द प्राइमरी प्लांट, ठीक है। तो ये प्राइमरी प्लांट की फॉर्मेशन का भी करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं, मेरिस्टेम्स अकर द मैच्योर रीजन में देखने को मिलेंगे, द मैच्योर रीजन ऑफ द सूट है, रूट है, सूट है, और मैनी प्लांट्स में देखने को, पर्टिकुलरली दिस प्रोड्यूस द बूटी एक्सेस भी करेंगे, अपियर लेटर बाद प्राइमरी मेरिस्टेम कॉल्ड द सेकेंडरी मेरिस्टेम्स, प्राइमरी के बाद हमारा क्या सेकेंडरी, जब उनमें बुडी का फॉर्मेशन होने जाएगा, और उसको लेटर मेरी स्टेम के नाम से भी क्या है जानते हैं। दे आर कैसा सिलेंड्रिकल मेरी स्टेम्स होते हैं जो लेटर में बात के बनते हैं इसको, जिसमें बुडी स्ट्रक्चर देखने को मिले, ये सिलेंड्रिकल मेरी स्टेम्स है। और हमारा क्या फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम है, इंटर फेसिकुलर कैम्बियम और कैम्बियम है एग्जाम्पल आपका लेटर मेरी स्टेम्स, अब समझ में आया। अब सिलेंडर मेरिस्टेम्स कहाँ आपको देखने को मिलेंगे, तो सिलेंडर मेरिस्टेम्स हमारे क्या है रूट में आपको देखने को मिलेंगे, ये हमारी क्या है रूट थी, ठीक है। रूट के आगे कैप आपको देखने को मिलता है, ये हमारा रूट के आगे कैप लगा हुआ है। इसके पीछे हमारा क्या है मेरिस्टेम्स टिश्यूज हैं, जिनको सूट मेरिस्टेम्स कहते हैं, और इसके पीछे जो आपको ये पोर्शन दिखाई दे रहा है इसको हम क्या सिलेंडर मेरिस्टेम टिश्यूज से कहते हैं इसको। ये यहाँ पे जो मेरिस्टेम्स होते हैं, एक तो सिलेंडर, ठीक है, सिलेंड्रिकल मेरिस्टेम्स का फॉर्मेशन करते हैं इसको, यहाँ से क्या निकलेगा आपका जाइलम और फ्लोएम का फॉर्मेशन होता है। फिर यहाँ पे प्रोटोडर्म एक लेयर का फॉर्मेशन होता है, ये किसका बनती है प्रोटोडर्म लेयर, यहाँ से प्रोटोडर्म हमारा लेयर यहाँ से फॉर्मेशन, और यह प्रोटोडर्म लेयर हमारे क्या है एपिडर्मिस का भी फॉर्मेशन करती है, ठीक है। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है
सिलेंड्रिकल मेरिस्टेम्स हमारे कहाँ रूट में देखने को मिलेंगे, अब क्या चीज इसको। इसके बाद फैसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम, अब फैसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम कौन सी होती है इनको भी हम समझ लेते हैं। ठीक है, फैसिकुलर वेसिक ये हमारा क्या स्टेम की हमने टीएस ली, जब इसमें टीएस ली तो इसमें जाइलम और फ्लोएम हमको देखने को मिले, तो ये हमारे क्या है एक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इनके बीच में एक लाइन आपको देखने को मिलती है, ये मिली, ये मिली, ये मिली और ये मिली, ये लाइन बीच में जो फॉर्मेशन हो रहा है ये यही इसको हम कहते हैं इंट्रा फेसिकुलर, इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम। ठीक है, ये हमारी क्या है इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम है। अब ये इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम है, ये हमारी क्या है, इसके बाद में दूसरी एक और आपको लाइन देखने को यहाँ पे मिलती है, इसके बाद में एक रिंग का फॉर्मेशन होता है इसका। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, ये हमारे इंटर इंटर फैसिकुलर कैम्बियम। कैम्बियम ठीक है, तो इंट्रा फैसिकुलर कैम्बियम और इंट्रा फैसिकुलर कैम्बियम जो हमारी होती है, इंटर इंट्रा इंट्रा फैसिकुलर कैम्बियम ये हमारे क्या है प्राइमरी मेरिस्टेमिक टिश्यूज होती हैं, ये हमारे क्या सेकेंडरी टिश्यूज होते हैं, सेकेंडरी मेरी स्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं। ठीक है, और ये हमारे क्या हो गया, और बाद में आया था क्या है इंट्रा और इंटर समझ गए, फिर कॉम्बियम, फिर कॉर कैम्बियम आती है। कॉर कैम्बियम हमारा क्या होता है ये भी हमने देखा होगा, जब स्टेम हम करते हैं इसकी टीएस हमने ली स्टेम की, तो जो बाहरी लेयर होती है हमारी एपिडर्मिस होती है, ये कॉर लेयर देखने को मिली, ये हमारी क्या है एंडोडर्मिस लेयर देखने को मिलती है, ये हमारी क्या है एंडोडर्म, ये रीजन होता है इसको क्या है, इसके नीचे हमारे क्या है वैस्कुलर बंडल देखने को यहाँ पे मिलते हैं, वैस्कुलर बंडल शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। ठीक है, तो इसको अभी देखते हैं, ठीक है ये वैस्कुलर, तो ये हमारा क्या है कॉर्क, कॉर्टेक्स, तो एक यहाँ बीच में लेयर का फॉर्मेशन होता है, इसको क्या है कॉर्क कैम्बियम कहते हैं, कॉर्क कैम्बियम कहते हैं कॉर्क। तो यहाँ पे तीन हमको कैम्बियम समझ में आई, डिस्कस किया था इनको, तीन कैम्बियम के इंट्रा फेस्कुलर कैम्बियम था, इंटरफेस्कुलर कैम्बियम था और हमारे कॉर कैम्बियम, ये तीनों हमारे क्या है सेकेंडरी मेरिस्टेमिक टिश्यूज हैं, या फिर इनको लेटरल मेरिस्टेमिक टिश्यूज के नाम से इसको जानते हैं, यही है बस। इसमें क्या है मैच्योर सेल्स है कॉन्स्टिट्यूट द परमानेंट टिश्यूज, इसके बाद में मैच्योर सेल्स हमारी परमानेंट टिश्यूज में कन्वर्ट हो जाए ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द प्राइमरी बॉडी है, कुछ स्पेसिफिक रीजन है एपिकल मेरिस्टेम्स प्रोड्यूस द डर्मल टिश्यूज करेंगे ग्राउंड टिश्यूज करके, और हमारे क्या है वेस्कुलर टिश्यूज का फॉर्मेशन करते हैं एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, अभी समझ लेते हैं कौन कौन से होते हैं, ग्राउंड टिश्यूज हमारे कौन से होते हैं, वेस्कुलर टिश्यूज हमारे कौन, और डर्मिस टिश्यूज होते हैं। अब हमारे आ गया परमानेंट टिश्यूज। ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हम समझ गए, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में अब हम समझ रहे हैं परमानेंट टिश्यूज, ये हमारे क्या है परमानेंट टिश्यूज होते हैं, और इनमें डिवाइडिंग कैपेसिटी क्या है लॉस हो जाती है,
तो ये हमारे कितने प्रकार के होते हैं? तो परमानेंट टिश्यूज हमारे सिंपल होते हैं और हमारे कैसे कॉम्प्लेक्स होते हैं। सिंपल टिश्यूज देखने को मिलेंगे और दूसरे हमारे क्या है, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये हमारे क्या है, परमानेंट टिश्यूज। हमारे द सेल्स ऑफ परमानेंट टिश्यूज डू नॉट जनरली डिवाइडेड फर्दर, इनके सेल्स आगे डिवाइड होंगे। परमानेंट टिश्यूज हैविंग द ऑल सेल्स सिमिलर देखने को मिलेंगे, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इसका आता है सिंपल टेस्ट। सिंपल टिश्यूज होते हैं परमानेंट टिश्यूज, तो उसमें डिवाइड हमने किया था सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल टिश्यूज ऐसे होते हैं जिनके सेल्स बिल्कुल सिमिलर होंगे फंक्शन में, और कुछ हमारे क्या है जिनको टिश्यूज डिफरेंट सेल्स में देखने को मिलेंगे सेल्स, इनको क्या है कॉम्प्लेक्स टिश्यूज कहते हैं। अब हम बात कर रहे हैं सिंपल टिश्यूज हमारे कौन से होते हैं। तो सिंपल टिश्यूज हमारे पैरेन्काइमा आपको देखने को मिलेगा, कॉलिन काइमा आपको देखने को मिलेगा, क्लोरिन काइमा आपको देखने को मिलेगा, कैमेटिस टिश्यूज होते हैं। ठीक है, तो पैरेन्काइमा है, कॉलिन काइमा है, क्लोरिन काइमा है और हमारे स्क्लेरिन काइमा है। स्क्लेरिन काइमा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये चार प्रकार के होते हैं। हम समझ लेते हैं पैरेन्काइमा टिश्यूज हमारे कौन से होते हैं। आज सिंपल टिश्यूज मेड ओनली फॉर वन टाइप के सेल्स में देखने को मिलेंगे। अब वेरी सिंपल ऑफ टिश्यूज प्लांट आर द पैरेन्काइमा, इनमें देखो पोलेन्काइमा है, स्क्लेरिन काइमा है। पैरेन्काइमा हमारे कौन कौन से होते हैं, द फॉर्म ऑफ द मेजर कंपोनेंट विद इन द ऑर्गन सेल्स। पैरेन्काइमा इज जनरली आइसो डाइमेट्रिक मिलेंगे, आइसो डाइमेट्रिक, इनकी सेल शेप एक जैसी होगी और मेन कैसे होते हैं, स्फेरिकल हो सकते हैं, ओवल हो सकते हैं, राउंड हो सकते हैं, पॉलीगोनल भी हो सकते हैं। ठीक है, ये हमारा पॉलीगोनल हो गया। इनकी देयर थिन, इनकी सेल वॉल कैसी थिन होती है, मेड ऑफ द सेलुलोज की बनी हुई होती है, थिन होगी सेलुलोज की होती है। और इनमें दे आर द आइदर क्लोजली पैक्ड है विद द इंटरसेलुलर स्पेस, क्लोजली पैक्ड हो सकते हैं और इनमें इंटरसेलुलर स्पेस भी देखने को मिलता है। यही टिश्यूज हैं जिनमें इंट्रा इंटरसेलुलर स्पेस देखने को मिलता है। दे आर द पैरेन्काइमा परफॉर्म वेरियस फंक्शन लाइक द फोटोसिंथेसिस करेंगे, स्टोरेज करेंगे और सीक्रेशन सेल्स हमारी करेंगे। ठीक है, पैरेन्काइमा टिश्यूज हमारे क्या होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस आपको देखने को मिलेगा, कॉम्पैक्ट होते हैं और इनमें सेलुलर स्पेस, दोनों सेल्स हैं हमारे पैरेन्काइमेटस सेल्स हमारे देखने को, आइसो डाइमॉर्फिक आपको देखने को मिलेगी, एक जैसी शेप इनको देखने को मिलेगी, पॉलीगोनल भी हो सकती है। और मुख्य बात इनमें क्या होती है, इनके सेल वॉल में क्या है, इसकी डिपोजिशन होता है सेलुलोज, यहाँ पे इनका देखने को मिलता है। और सेल वॉल इनकी थिन होगी, सेलुलोज का डिपोजिशन देखने को मिलेगा। इनका फंक्शन क्या काम होगा, इंटर, ठीक है, सेलुलर स्पेस देखने को मिलेगा। इसका मतलब इसमें क्या है, बोयंसी को भी हमारे क्या है मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, एक्वाटिक प्लांट में और स्टोरेज का काम करेंगे। ठीक है, फोटोसिंथेसिस काम करेंगे, इनमें क्लोरोफिल सेल में देखने को मिलेगा इसमें, और सिक्रेशन का भी यहाँ पे कुछ हमारे क्या सेल सिक्रेशन भी करते हैं। ठीक है, और कहाँ देखने को मिलेंगे, एपिडर्मिस में भी आपको देखने। इसके बाद अब हमारे कहा पोलन कैमा होती है, तो यही इन्हीं में बस अगर क्लोरोफिल मौजूद है, पोलन कैमा समझ लेते हैं। पोलन कैमा हमारे क्या होता है, द पोलन कैमा अकर्स इन द लेयर बिलो द एपिडर्मिस इन डाइकोटिलेडोन प्लांट्स। इसमें देखने को मिला है पोलन कैमा हमारा क्या है, डाइकोटिलेडोन प्लांट्स, इनके नीचे पैरेन्काइमा के नीचे एक और लेयर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, इट फॉर्म द आइदर होमोजाइगस लेयर्स, होमोजीनियस लेयर हो सकती है और हमारे पैचेस में भी लेयर देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो ये हमारे क्या है होमो एक लेयर देखने को मिलती है और इसके पैचेस भी देखने को मिल सकते हैं। ये आपको सेल्स है हमारे क्या है वैक्यूल सेल्स। ठीक है, तो ये नीचे वाला स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर हमारा किसी का है, पॉलेनकाइमा का ही है। और इसमें क्या था, कंसिस्ट विद सेल्स ऑफ द थिकेंड देखने को मिलेगी, दे फॉर्मर ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ द सेलुलोज, इनमें भी देखने को मिलेगा इन सेल में।
हेमिसेलुलोस एंड पेक्टिन। इन सेल होती हैं जो हमारे क्या पैरेन्काइमा के नीचे देखने को मिलती हैं। इनकी सेल वॉल में इनमें तीन चीजों को सेलुलोज मिलेगा, हेमिसेलुलोज मिलेगा और पैक्टिन का डिफ्यूजन मिलेगा। लेकिन जो हमने ऊपर हमने पढ़ी थी पैरेन्काइमा, उनमें केवल सेलुलोज के सेल वॉल का डिफ्यूजन देखने को मिल सकता था इसमें, ठीक है। और हमारा क्या है, पॉलीकैमा सेल्स मे बी ओवल शेप की होती है, स्फेरिकल शेप में, पॉलीगोनल, ऑफन द कंटेन द क्लोरोप्लास्ट एंड फोटोसिंथेसिस, ये भी करते हैं। सेल एसिमिलेट फूड व्हेन द कंटेन द क्लोरोप्लास्ट, इंटर सेलुलर स्पेस आर अब्सेंट देखने को मिलेगा। सिर्फ इंटर सेलुलर स्पेस हमारे क्या है, सिर्फ पैरेन्काइमा में देखने को आपको मिलेंगे, बाद बाकी इन तीन सेल्स और बचती हैं सेल उनमें किसी में देखने को आपको नहीं मिलते हैं। दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट ग्रोथ पार्ट पार्ट ऑफ द प्लांट सच एज द यंग स्टेम एंड पेटियोल ऑफ द लीफ, ठीक है। यंग स्टेम में देखने को मिलेंगे और लीफ के पेटियोल में देखने को मिलेगा। लीफ का पेटियोल भी हमारे क्या है, ये हमारी लीफ है, तो लीफ का ये हमारा जो स्टेम से जुड़ा हुआ, तो इसको क्या है, लीफ पेटियोल के नाम से आते हैं। तो इसमें आपको कॉलेनकाइमा सेल्स आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि थोड़ी सी मैकेनिकल सपोर्ट करती हैं, और मैकेनिकल सपोर्ट इसलिए करती हैं क्योंकि इनके सेल वॉल में, इनकी वॉल में क्या देखने को, सेलुलोज देखने को मिलेगा, हेमी सेलुलोज देखने को मिलेगा और हमारा पैक्टिन का डिपोजिशन देखने को मिलेगा। शेप इनकी क्या है, डाइमॉर्फिक हो सकती है, पॉलीगोनल है, ओवल है, स्फेरिकल्स देखने को मिलेगा, बट कुछ नहीं, ये नीचे और इंटर सेलुलर स्पेस इनमें अब्सेंट होते हैं, इनको याद रखना है इस पर, ठीक है। इसके बाद में स्क्लेरेन कायमा है, इंपॉर्टेंट सेल है, इनको भी समझ दें। स्क्लेरेन का कंसिस्ट आपका लॉन्ग होती है, नैरो सेल्स होती हैं, लंबी लंबी सेल्स होंगी और ये नैरो सेल्स देखने को, ये सी है हमारा, ये स्क्लेराइड का है, ठीक है, ये फाइबर है और ओवल बात कर रहे हैं, भी थिक होती हैं, लिग्निफाइड द सेल वॉल हैविंग द फ्यू और न्यूमरस पैच पिट्स देखने को इसमें मिलते हैं। दे आर यूजली डेड सेल मिलेंगे, प्राय डेड होती है, विदाउट प्रोटोप्लास्ट इसमें नहीं देखने को मिलेगा। ऑन द बेसिस ऑफ द वेरिएशन इन फॉर्म द स्ट्रक्चर है, ओरिजिन है, डेवलपमेंट, स्क्लेरेन काइमा में भी हमारे आइदर फाइबर और स्क्लेरॉइड की भी होती हैं। द फाइबर्स थिक वॉल्ड देखने को इलोंगेटेड होते हैं, पॉइंटेड होते हैं, जनरली अकर्स इन ग्रुप इन वेरियस पार्ट इन द प्लांट। स्क्लेराइड्स आर स्फेरिकल, ओवल, सिलेंड्रिकल, हाईली थिकेंड डेड सेल्स दे वेरी, ठीक है। तो ये हमारा क्या फाइबर है, ये हमारा किस चीज का है, फाइबर का आप इसको देख रहे हो, सी, ठीक है, सी सेल्स हमारी क्या है, ये हमारा फाइबर है, इनमें ल्यूमेन देखने को मिलेंगे और सबसे खास बात हमारी क्या है, ये डेड सेल्स होती हैं। सेल्स कैसी हैं, डेड सेल हैं, ल्यूमेन है, थिक सेल वॉल होती है, ठीक है, और ये मैकेनिकल सपोर्ट करती हैं और इनमें इंटर सेलुलर स्पेस हमेशा इनमें भी अब्सेंट होता है, ठीक है। ये फाइबर हमारे हो गए, लॉन्गिट्यूडनल होते हैं, लॉन्ग होते हैं और हमारे कुछ ओवल शेप्ड होती हैं, स्क्लेराइड कहते हैं, इनमें ल्यूमेन देखने को मिलता है और इसमें क्या है, पिट्स देखने को मिलेंगे, थिक सेल वॉल देखने को मिलती है। ऑलराइट, अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये कैसी हैं, नैरो कैविटीज यानी ल्यूमेन देखने को इनमें मिल रहा था। दे आर कॉमनली फाउंड इन फ्रूट्स, ये कहाँ देखने को मिलेंगे आपको, फ्रूट्स में देखने को मिलती है, ठीक है। पैरेन्काइमा जो सेल्स थी हमारी कहाँ देखने को मिल रही, एपिडर्मिस में देखने को मिल रही थी। कॉलेनकाइमा सेल्स थी ये पैरेन्काइमा के बिलो, पैरेन्काइमा के नीचे देखने को मिल रही थी, ठीक है। और हमारा कहाँ पे, पेटियोल्स ऑफ लीफ, पेटियोल ऑफ लीफ में देखने को मिल रही थी, या फिर हमारे जो स्टेम न्यूली स्टेम में देखने को मिल रही थी। और इसके बाद स्क्लेरेन कायमा हमारी क्या है, फ्रूट में आपको देखने को मिल रही होती है, ये डेड सेल्स होती हैं और हमारा क्या है, मैकेनिकल सपोर्ट के लिए जानी जाती है। इनमें ल्यूमिन देखने को मिलेंगे और इनकी सेल वॉल थिक होती है। देखो हम ना स्क्लेरेन कायमा आपको देखो फ्रूट में देखने को, ये वॉल्स ऑफ द नट देखने को मिलेंगे, पल्प ऑफ द फ्रूट लाइक गुआबा होता है, पियर्स होते हैं और सपोता होता है, सीड कोडेड ल्यूमिन लीव्स ऑफ टी, स्क्लेरेन्काइमा प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट ऑफ द ऑर्गन, ठीक है। तो तभी आपने देखा है जब हमारा अमरूद कच्चा होता है, नाशपाती कच्ची होती है, तो उसको क्या है, दांत से बहुत जल्दी
कटती नहीं है। क्यों? क्योंकि स्क्लेरेनकाइमा वहाँ देखने को मिलता है, इनका बहुत हार्ड होती है, जब पक जाते हैं तो स्क्लेरेनकाइमा कुछ टिश्यूज हमारे डिसॉल्व होने लगते हैं, तो उस कंडीशन में ये सॉफ्ट हो जाती है, ठीक है। और अब हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यूज, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज जाइलम है, फ्लोएम है, इनके बारे में बात करेंगे। चलिए इसको रफ कर रहे हैं, ये हमारे हो गए कलर, थोड़ा सा बदल चेंज कर, ये हमारे क्या है कॉम्प्लेक्स टिश्यूज हो गए। द कॉम्प्लेक्स टिश्यूज आर मेड फॉर ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ द सेल, एक से अधिक सेल के ये बने हुए होते हैं। दीज वर्क टूगेदर, एक यूनिट में वर्क करते हैं, जाइलम है, फ्लोएम है, कॉन्स्टिट्यूट द कॉम्प्लेक्स टिश्यूज इन प्लांट, ठीक है। इसमें कॉम्प्लेक्स में हमारे जाइलम देखने को मिलेंगे और फ्लोएम देखने को मिलेंगे। फंक्शन ऑफ द कंडक्शन ऑफ द जाइलम का क्या फंक्शन होता है? कंडक्शन ऑफ द वाटर मिलेगा, टिश्यूज फॉर द वाटर मिनरल्स एंड, ठीक है, हार्मोन का भी करेंगे। तो जाइलम का अगर फंक्शन पूछा जाए तो फंक्शन हमारा क्या है, वाटर का कंडक्शन करेंगे, मिनरल का कंडक्शन करेंगे और हमारे क्या हार्मोन का भी क्या है कंडक्शन करते हैं। कंडक्शन मीन्स क्या था, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। और इट कंपोज्ड फोर डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स एलिमेंट्स, नेम हमारे क्या है, जाइलम हमारा चार चीजों से मिलकर बना होता है, जैसे इसमें ट्रैकीट्स देखने को मिलेंगे, बेसल्स देखने को मिलेंगे और जाइलम फाइबर और जाइलम पेरेन्काइमा देखने को मिलती है। जिम्नोस्पर्म लैक वेसल्स, जिम्नोस्पर्म प्लांट्स होते हैं, जिम्नोस्पर्म ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें क्या होती है, जिम्नो मीन्स नेक होता है, स्पर्म मीन्स सीड होता है, ऐसे प्लांट जिनकी सीड नेक होते हैं, किसी कवर में किसी के ऊपर कवरिंग उनके सीड के ऊपर नहीं होती है, तो इनमें वेसल्स हमारी लैक होती हैं, अब्सेंट होती हैं इन देयर जाइलम, ठीक है। ट्रैकीट्स कैसे होते हैं, आर लॉन्गेटेड और होंगे, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होंगे विद द थिक एंड लिग्निफाइड, इनमें भी लिग्निफाइड होगा और टेपरिंग एंड्स देखने को मिलती है, ये हमारे क्या है ट्रैकीट्स है, एंड हमारे टेपरिंग इनमें एंड देखने को मिलते हैं, ठीक है, ये टेपरिंग एंड देखने को मिलते हैं। लिग्निफाइड सेल्स होती है हमारे, थिक होती है दिस, ये हमारी कैसी होती है ट्रैकीट्स हमारी क्या, ये दिस सेल्स आर हमारे डेड एंड द विदाउट प्रोटोप्लास्ट, इनमें कोई प्रोटोप्लास्ट नहीं होता है क्योंकि ये डेड होती हैं, कौन ट्रैकीट्स होती हैं, ट्रैकीट्स वेसल्स फाइबर देखने को मिलेंगे और जाइलम पेरिनकाइमा देखने को मिलेंगे। हम बात कर रहे थे ट्रैकीट्स की सेल्स, ये एलोंगेटेड होती हैं, डेड सेल्स होती हैं, लिग्निफाइड सेल्स होती हैं, टेपरिंग एंड देखने को, इनर लेयर ऑफ द सेल वॉल इनकी थिकनिंग भी इसमें इन वेरी फॉर्म देखने को मिलते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स ट्रैकीट्स एंड वेसल्स मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट्स, इनका जो प्लांट्स होते हैं तो मेन फंक्शन क्या होता है, वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट करते हैं। वेसल्स हमारी क्या है, लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, मेड फॉर अप मैनी सेल्स, वेसल्स मेंबर होती हैं, ये भी हमारी क्या होती है विद लिग्निफाइड वाल्व होती है एंड द लार्ज सेंट्रल कैविटी इनमें देखने को मिलती है हमारी किसमें, वेसल्स में, ठीक है। तो वेसल्स हमारे देखने हॉलो स्ट्रक्चर होगा और इसमें क्या काफी कैविटीज आपको देखने को मिल रही होंगी, ठीक है, ये हमारे वेसल्स है। वेसल को कट करते हैं तो इनमें क्या है आपको ल्यूमेन अच्छी खासी देखने को मिल सकती है। इसके बाद में द वेसल्स आल्सो प्रोवाइड द प्रोटो, वेसल्स में हमारा प्रोटोप्लाज्म होता है लेकिन हमारे ट्रकीट्स में डेड सेल होंगे, प्रोटोप्लाज्म नहीं होता। वेसल्स रिमेंबर द इंटर कनेक्टेड थ्रू द परफोरेशन, ठीक है। वेसल्स हमारी कैसे परफोरेटेड हमारी होती हैं, दे आर द कॉमन वॉल्स होती हैं। प्रेजेंस ऑफ द वेसल्स करेक्टरिस्टिक्स द फीचर्स ऑफ द एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। जाइलम फाइबर्स देखने को मिलते हैं तो हमारे करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हमारे एंजियोस्पर्म के देखने को मिलती है, हमारी क्या चीज होती है वेसल्स, ठीक है। वेसल्स हमारे लिविंग सेल्स होती है, परफोरेट सेल्स होती हैं, एक ल्यूमिन देखने को मिलेगी और मेन इनका क्या है वाटर का और मिनरल का ट्रांसपोर्ट का वर्क होता है। अब हम समझते हैं जाइलम फाइबर, जाइलम फाइबर क्या होते हैं, दे आर हाईली थिक सेल वॉल होती है, इन काफी मोटी भित्ति देखने को मिलेगी और क्या है ऑब्लिटेटेड सेंटर ल्यूमेन देखने को मिलेगा। ऑब्लिटेटेड जाइलम फाइबर्स में हमारे ऑब्लिटेटेड सेंटर ल्यूमेन देखने को इसमें क्या है मिलता है। ऑब्लिटेटेड सेंट्रल ल्यूमिन का मीन्स हमारा क्या होता है,
ठीक है, ऐसी कंडीशन इसमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, ऑब्लिटेटेड एक ल्यूमिन देखने को मिलता है। सेंट्रल ल्यूमिन हो गया, पॉलीगोनल तो है ही, और जाइलम फाइबर दे में भी सेप्टेड हो सकते हैं और असेप्टेड हो सकते हैं जाइलम पैरेन्काइमा। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई, हाईली थिक होते हैं, तिलवाड़ होती हैं। ऑब्लिटेटेड ल्यूमिन देखने को, सेंट्रल ल्यूमिन देखने को मिलता है हमारा क्या है, जाइलम फ्लोएम। अब हम जाइलम पैरेन्काइमा देख लेते हैं। ये सेल्स आर लिविंग होती हैं, ठीक है, थिन वॉल्ड, इनकी देयर सेल वॉल आर मेड अप ऑफ द सेलुलोज, इनकी सेल वॉल सेलुलोज की बनी हुई होती है। दे स्टोर फूड मटेरियल करती हैं, दे फॉर्म द स्टार्च ऑफ, किसके, स्टार्च ऑफ फैट का स्टोरेज करते हैं। तो स्टोरेज की बात बात आती है तुम्हारे क्या है, जाइलम पैरेन्काइमा आपको देखने को मिलेंगी। लिविंग सेल्स होती हैं, थिन थिक वॉल्ड ये भी होती हैं, अदर सब्सटेंस लाइक ये टैनिन भी इनमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, जैसे फैट का स्टोरेज करेंगे, स्टार्च का करेंगे, टैनिन का स्टोरेज करेंगे। द रेडियल कंडीशन वाटर टेक्स प्लेस वाई द पैरेन्काइमा सेल, रेडियल कंडक्शन का होता है। ठीक है, रेडियल कंडक्शन मीन्स हमारे क्या है, ये स्टेम है, ये इसको स्टेम है, तो रेडियल कंडक्शन इधर के लिए। ठीक है, तो लेटरलाइज वाटर का जो कंडक्शन होता है हमारे, कौन करता है हमारे, जाइलम पैरेन्काइमा करती हैं, और जाइलम पैरेन्काइमा ये लिविंग सेल्स होती हैं और स्टोरेज का वर्क करती है हमारी। ठीक है, इसके बाद में तो समझ गए, चार सेल्स हमारी जाइलम की हमको समझ में आई, ट्रैकेट समझ में आया, ठीक है, वेसल समझ में आया, फाइबर समझ में आया हमको, और हमारा क्या है, जाइलम पैरेन्काइमा समझ में आया। ठीक है, तो चार सेल यहाँ से हम लोगों ने कवर की। चलिए अब इसके नेक्स्ट कुछ क्या है उसको समझ ले रहे हैं। प्राइमरी जाइलम ऑफ टू टाइप होता है, अब ये समझ में, यहाँ से थोड़ा सा दिमाग लगाना, प्राइमरी जाइलम स्टार्ट हो गया है, थोड़ा सा दिमाग में प्रेशर लेके चलना, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। ठीक है, जाइलम हमारा प्राइमरी जाइलम था, प्राइमरी जाइलम दो में कन्वर्ट हो गया, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। द फर्स्ट फॉर्म्ड प्राइमरी जाइलम एलिमेंट्स इसका आता है प्रोटोजाइलम, पहली बार जब जाइलम का फॉर्मेशन होता है प्रोटोजाइलम कहते हैं, बाद में दूसरी बार जो लेटर कुछ इसके बाद फॉर्मेशन होता है उनको क्या है, मेटाजाइलम, यानी प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। सीड हमारा था, ये सीड था, ये हमारा एक सीड था। ठीक है, तो सीड में हमारा क्या है, डिफरेंशिएट हमारा करने लगा, और डिफरेंशिएट करने के बाद एक हमारा प्लांट में, छोटे से प्लांट में हमारा क्या है, ये ग्रो होने लगा। ठीक है, छोटा सा प्लांट है, इनमें जाइलम की बात की जाए तो जाइलम की जो ट्रैकीट्स थी और हमारे क्या है वेसल्स थी, बहुत थिन थी, प्री मैच्योर थी, थिन थी और प्री मैच्योर थी। तो इसको हम क्या है, इसको जाइलम कैसा है, प्रोटो जाइलम हो रहा होगा, प्रोटो जाइलम देखने को मिला। फिर इसके बाद लेटर जाइलम का फिर डेवलपमेंट हुआ, तो ये स्ट्रॉन्ग प्लांट हमारा बन गया। ठीक है, तो इसमें हमारा जो जाइलम था, इसकी बेसल्स थी, ट्रैकेट्स थी, ये हमारे क्या है थिक हो गई और हमारी मैच्योर हो गई, तो इसको क्या है, मेटाजाइलम हमने कहा। ये कैसा हो गया, मेटाजाइलम। चलिए अब हम इसको रफ कर रहे हैं, फिर समझते हैं। ठीक है, मेटाजाइलम प्रोटोजाइलम क्या होता है इसको समझ लेते हैं, इनकी कंडीशन, एंडार्च क्या होती है, एक्सार्च क्या होती है, कई बार एग्जाम में पूछी जाती है और बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करती है। प्राइमरी जाइलम इस टू टाइप का होता है, प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम समझ लिया, पहले प्रोटोजाइलम बनता है फिर हमारा मेटाजाइलम बनता है। स्टेम्स, इन स्टेम की बात करें तो प्रोटोजाइलम लाई टूवर्ड द सेंटर, पिथ की तरफ आपको देखने को मिलेगा प्रोटोजाइलम। ठीक है, एंड द मेटाजाइलम हमारे लाइज टूवर्ड द पेरीफेरी इन द ऑर्गन। ठीक है, यानी स्टेम की बात चल रही है, स्टेम की हमने टीएस कट की, टीएस कट कर रहे हैं तो यहाँ पे अब एक ये कंडीशन देखने को मिली हमको। ठीक है, ये कह रहे हैं ये हमारा पिथ है, हमारा बीच में ये हमारा क्या है, पिथ है, पिथ।
जो पिथ की तरफ होता है, सेंटर की तरफ होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटोजाइलम, ठीक है। और जो पेरीफेरी की तरफ होता है, इसको क्या कहते हैं, मेटाजाइलम, ठीक है। तो ये हमारा जो बाहर है, पेरीफेरी मेटाजाइलम हो गया, सेंटर की तरफ हो गया, ये हमारा क्या है, प्रोटोजाइलम हो गया, पिथ की तरफ हमारा हो गया, तो ये हमारा क्या है, स्टेम की बात चल रही है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन होती है, तो इसको हम लोग कैसे एंडार्च कहते हैं, ये हमारे कैसा है, ठीक है, इसको एंडार्च कहेंगे, समझ में आया। एंडार्च हमारे क्या, प्रोटोजाइलम हमारे ल्यूमिन की तरफ होता है, यानी सेंटर की तरफ, और पिट की तरफ होता है। मेटाजाइलम हमारी बाहर की तरफ हमारा होता है, पिट की तरफ होगा द जाइलम टूवर्ड द, इस कंडीशन इस कॉल्ड हमारे एंडार्च, समझ में आया। एंडार्च प्रोटोजाइलम अंदर, मेटाजाइलम बाहर, एंडार्च हो गया। स्टेम की बात करें, रूट में अब बात करें, रूट का बिल्कुल इससे स्ट्रक्चर चेंज होता है। प्रोटोजाइलम लाइज टूवर्ड द पेरीफेरी, और मेटाजाइलम लाइज टूवर्ड द सेंटर। सच कंडीशन हमारी कैसी कहलाती है, एक्सार्च। एंडार्च और एक्सार्च समझ में आएगा, रूट में देखते हैं तो एक्सार्च देखने को मिलेगा, ठीक है, और सूट में देखते हैं तो हमारा क्या है, एंडार्च देखने को मिलेगा। एंडार्च और एक्सार्च, एंडार्च, ठीक है, सूट में एंडार्च, एंडार्च में हमारा क्या है, प्रोटोजाइलम ल्यूमिन की तरफ होगा, मेटाजाइलम हमारी बाहर की तरफ होगा। एक्सार्च में हमारा क्या है, प्रोटोजाइलम पेरिफेरी की तरफ होगा, मेटाजाइलम हमारी क्या है, ल्यूमिन या सेंटर की तरफ होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर क्लियर है, बिल्कुल थोड़ा सा दिमाग लगाओगे बिल्कुल भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। स्टेम और रूट का हमेशा अंतर। अब हम बात करें फ्लोएम, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट द फूड मटेरियल को फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है, यूजली फॉर्म द लीव्स पार्ट ऑफ द प्लांट में। तो फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम भी हमारे क्या है, चार पार्ट से मिलके बना होता है, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे इसमें, ठीक है। ट्यूब सेल्स होते हैं, कंपेनियन सेल्स होते हैं, और इनमें भी क्या है, फाइबर्स देखने को मिलेंगे, और हमारा क्या है, फ्लोएम पैरेन्काइमा देखने को मिलती है, ठीक है, बहुत इजी है। और इनका ट्रांसपोर्ट क्या होता है, ये हमारा क्या है, फूड का ट्रांसपोर्ट करते हैं, और हमारा हार्मोन का भी ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो हार्मोन का दोनों ही ट्रांसपोर्ट, जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। तो इसके सीप ट्यूब्स एलिमेंट देखने को मिलेंगे, कॉम्पेनियन सेल मिलेंगे, और फ्लोएम पैरेन्काइमा देखने को मिलेंगे। और इसके बाद में ये हमारा नेक्स्ट है, द फ्लोएम फाइबर्स जिम्नोस्पर्म, ठीक है। जिम्नोस्पर्म हमने पीछे पढ़े थे जाइलम में, तो एल्बुमिनस सेल्स और सीप सेल्स, ठीक है। तो इनमें एल्बुमिनस सेल्स मिलेंगे और सीप सेल्स देखने को मिलती हैं, ठीक है। सीप ट्यूब सेल्स नहीं मिलेंगे, सीप सेल्स मिलेंगे यहाँ पे, और दे लैक सीप ट्यूब सेल्स कंपेनियन सेल्स, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म में फाइलम की बात की जाए तो हमारे सीप ट्यूब्स अब्सेंट मिलेंगे, और साथ में हमारे क्या चीज, कंपेनियन सेल्स, है ना। तो लेक ऑफ द कंपेनियन सेल्स और सीप ट्यूब्स एलिमेंट्स आर द लॉन्ग होते हैं। फाइलम की और जाइलम की बात करें तो जाइलम में हमारे क्या है, वेसल्स वहाँ पे अब्सेंट मिलेंगे। तो ये थोड़ा सा याद रखना है, जाइलम और फ्लोएम में, जिम्नोस्पर्म में कुछ ना कुछ एब्सेंट देखने को मिलता है, एब्सेंस देखने को मिलता है, ठीक है। तो कई बार एग्जाम में पूछा है एल्बुमिनस सेल्स और एंड सीप सेल्स कहाँ देखने को मिलेंगे, तो हमेशा जिम्नोस्पर्म सेलेक्ट करिएगा, ठीक है, इसमें, क्योंकि इसमें ट्यूब सेल्स और कंपेनियन सेल्स दोनों एब्सेंस होती हैं। सीप सेल्स हमारी कैसी होती हैं, ये आल्सो लॉन्ग देखने को मिलेंगे, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, अरेंज्ड इन लॉन्गिट्यूडनल देखने को मिलेंगे, यानी लॉन्गिट्यूडनल ये हमारी अरेंज्ड होती हैं। दे आर एसोसिएट विद द कॉम्पेनियन सेल्स, ठीक है। सीप सेल्स हमारी एसोसिएट होती हैं कॉम्पेनियन, एंड सीप सेल्स और कॉम्पेनियन सेल एक दूसरे मिलके वर्क करती हैं। दे आर वाल्स, परफोरेटेड वाल्स होती हैं सीप ट्यूब की, सीप में हमारे का छलनी टाइप से होता है ना, जो चाय छानने की छलनी होती है, उनको बिल्कुल वैसे ही होती हैं सीप ट्यूब्स, परफोरेटेड होती है, सी ब्लैक मैनर देखने को मिलता है। फॉर्म या सी प्लेट्स का फॉर्मेशन करती है, मैच्योर सी एलिमेंट्स पसेस द पेरिफेरल साइटोप्लाज्म एंड लार्ज वैक्यूल बट लैक ऑफ द न्यूक्लियस। ऐसी सेल जिनमें न्यूक्लियस नहीं देखने को मिलेगा,
उन सेल्स को क्या कहते हैं, उन सेल को सीव ट्यूब एलिमेंट्स कहते हैं। ये हमारा पार्ट ऑफ हमारा फ्लोएम का होता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म इनमें पेरिफेरी की तरफ मिलेगा और लास्ट वैक्यूल देखने को मिलेंगे। जब वैक्यूल बहुत लास्ट हो जाएगा तो न्यूक्लियस को जगह नहीं बचती, इसकी वजह से न्यूक्लियस अब्सेंट होता है। इंपॉर्टेंट है इसको मार्क करके रखना। इसके बाद में द फंक्शन ऑफ द सीव ट्यूब था कंट्रोल बाय द न्यूक्लियस ऑफ द फंक्शन ऑफ सीव ट्यूब्स आर कंट्रोल्ड बाय द न्यूक्लियस ऑफ कंपेनियन सेल्स। देखो है ना, इनका फंक्शन कौन कंट्रोल करता है, तो इनका फंक्शन कंपेनियन सेल कंट्रोल करता है। तो सीव ट्यूब्स एलिमेंट्स और कंपेनियन सेल्स इंपॉर्टेंट हैं, कंपटीशन के हिसाब से भी और इनको वैसे भी, ठीक है। तो कंपेनियन सेल्स के बारे में समझ लेते हैं। तो सीव ट्यूब्स के बारे में हमको यही समझ में आया इनका, ठीक है, जिम्नोस्पर्म में एब्सेंट होती हैं और ये इलॉन्गेटेड होती हैं, लार्ज वैक्यूल देखने को मिलता है इनमें, और इनमें न्यूक्लियस अब्सेंट होता है, परफोरेटेड होती है, सी ब्लैक इनका स्ट्रक्चर होता है। इनका फंक्शन हमारा कौन कंट्रोल करता है, फंक्शन हमारा कंपेनियन सेल्स इनकी करती हैं। और स्पेशलाइज्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं, ठीक है, एक पेरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं, पेरेन्काइमेटा हमने उधर पढ़े थे, ठीक है, विच आर क्लोजली एसोसिएट विद द सीव सेल्स। भाई दोनों बहने बहने हैं। द सीव ट्यूब्स एलिमेंट्स आर कंपेनियन सेल्स आर कनेक्टेड बाय द पिट्स फील्ड। ये पिट्स फील्ड से कनेक्ट है, प्रेजेंट बिटवीन देयर द कॉमन लॉन्गिट्यूडनल वॉल देखने को मिलती है। इनके बीच में एक वॉल देखने को मिलती है, लॉन्गिट्यूडनल वॉल। द कंपेनियन सेल्स आर द मेंटेन द प्रेशर ग्रेडियंट इन सीव ट्यूब्स। हैं प्रेशर ग्रेडियंट्स यानी ये फ्लोएम होता है, फ्लोएम का मेन काम हमारा किसका होता है, फूड स्टोरेज करना, और फूड का स्टोरेज करना, फूड का ट्रांसपोर्ट करना। तो फूड हमारा कहाँ बनता है, लीव्स में, फोटोसिंथेसिस के बाद फूड बनता है। जब फूड बनेगा तो वहाँ पे क्या है, ऑस्मो रेगुलेशन देखने को मिलेगा, प्रेशर ग्रेडियंट बढ़ता रहता है। तो हमारे जो होंगे फ्लोएम कंपेनियन सेल हमारे किसका है, सीव ट्यूब के, जो उनका प्रेशर होता है, ग्रेडियंट प्रेशर को कम करती रहती है, हेल्प द मेंटेनिंग द प्रेशर ऑफ द ग्रेडियंट इन सीव ट्यूब्स, ठीक है। हम पढ़ते हैं फ्लोएम पेरेन्काइमा, ठीक है। और आपस में जो दो को रिलेटेड होती है, मेन फंक्शन अगर देखा जाए इसका, ग्रेडियंट प्रेशर ग्रेडियंट को नॉर्मलाइज करती है, रेगुलेट करती है हमारे क्या है कंपेनियन सेल। और इसको फ्लोएम पेरेन्काइमा द मेड अप ऑफ द इलोंगेटेड होती है, टेपरिंग देखने को, सिलेंड्रिकल, विच आर द डेंस साइटोप्लाज्म देखने को मिलेगा, न्यूक्लियस इनमें देखने को मिलता है, बाल ऑफ द कंपोज ऑफ सेलुलोज मिलेगा, पिट्स इनमें भी देखने को, थ्रू द विच ऑफ द प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। ये फ्लोएम पेरेन्काइमा है, तो फ्लोएम पेरेन्काइमा सेल्स होती हैं, तो इनमें प्लाज्मोडेस्माटा के कनेक्शन देखने को मिलते हैं। प्लाज्मोडेस्माटा के कनेक्शन क्या होते हैं, ये है प्लाज्मोडेस्माटा, इनमें सेल वॉल भी यहाँ पे क्या है नहीं होती है, जहाँ पे प्लाज्मोडेस्माटा के कनेक्शन लिंक होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्या प्लाज्मो डेस्मेटा यहाँ पे देखने को मिलते हैं, किसमें, फ्लोम पेरेन्काइमा में। विच पेरेन्काइमा स्टोर फूड मटेरियल एंड अदर सबस्टांस। तो पेरेन्काइमा हमारे क्या है, स्टोर मटेरियल और सबस्टांस को स्टोर करती है, लाइक रेजिन या लेटेक्स करती है, और हमारे क्या है म्यूसिलेज, ठीक है। फ्लोम पेरेन्काइमा इज एबसेंट इन द मोस्ट ऑफ द मोनोकॉटिलडॉन। मोनोकॉटिलडॉन में हमारा का फ्लोएम पेरेन्काइमा एबसेंट होते हैं, याद रखना। जिम्नोस्पर्म की बात आए तो सीव ट्यूब्स और हमारे कंपेनियन सेल्स याद रखना, और जहाँ मोनोकॉटिलडॉन्स आए तो वहाँ पे हमारा क्या है फ्लोएम पेरेन्काइमा। यहाँ फ्लोएम फाइबर्स के बारे में समझते हैं, ये बास्ट फाइबर्स होते हैं, द मेड अप ऑफ द स्क्लेरेन, ठीक है, स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स के बने होते हैं फ्लोएम फाइबर, ठीक है। दीज आर ये कैसे डेड होते हैं, जनरली एबसेंट इन द प्राइमरी फ्लोएम बट फाउंड इन सेकेंडरी फ्लोएम, ठीक है। प्राइमरी फ्लोएम में ही एबसेंट होते हैं, सेकेंडरी फ्लोएम में ही देखने को मिलते हैं। थोड़ा सा ऊपर हम इसको कर लेते हैं, दे आर मच इलोंगेटेड होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं, हैव द पॉइंटेड देखने को, निडल लाइक एपाइसिस देखने को मिलेगा, सेल वॉल फाइबर्स की थिक इनकी देखने को मिले, एट मेच्योरिटी दे फाइबर्स लॉस द प्रोटोप्लाज्म, जब इनकी मेच्योरिटी होती है तो प्रोटोप्लाज्म लॉस्ट हो जाता है,
दे बिकम डेड हो जाते हैं उसके बाद में, पहले लिविंग होते हैं उसके बाद फिर उसके बाद डेड हो जाते हैं। फ्लोएम फाइबर्स इट जूट देखने को मिलेगा, फ्लेक्स में देखने को, हैम्प मिलेगा, आर यूज्ड कॉमर्शियली। द फर्स्ट फॉर्म द प्राइमरी फ्लोएम कंसिडर द नैरो सीव ट्यूब्स रेफर टू द प्रोटोप्लाज्म मैस। जब नैरो होंगे तो उसके बाद में लेटर फाउंड प्रोटोप्लाज्म इज बिगर सीव ट्यूब्स बन जाते हैं रेफर टू द मेटा फ्लोएम। ठीक है, तो प्रोटोफ्लोएम और मेटा फ्लोएम हमारे ये कौन बनते हैं, फ्लोएम फाइबर बनते हैं। तो कभी कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, पहले प्रोटोफ्लोएम बनेगा जिनमें प्रोटोप्लाज्म होगा, उसके बाद में मेटा फ्लोएम बनते हैं जिनमें प्रोटोप्लास्ट हमारा एबसेंट हो जाता है। अब हम टिश्यू सिस्टम नेक्स्ट सेशन में उसको देखेंगे, तब तक सेशन को विराम करेंगे। और कैसा लगा मुझे बताइएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, हमें भी थोड़ी सी सपोर्ट करिएगा ओवरऑल वॉच करने के लिए। थैंक यू।